Near the heart of India, a land filled with surprises. In the mighty force of your waters, you hold the deepest secrets that take us back in time. When it's said that the gods walked this land, this is where we feel the warmth of your faces. See hands that mold life. While embracing change, you grow. In you is the land that gives, creates, nurtures, grows, and builds. It's all in you. Come. Experience Chattiska. पहले तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने वक्त निकाला अपने टाइट शेड्यूल से आ, कितना बने कितना खुशहाल हुआ किसान कितना बदले हमारे खेत और खलिन ये हमारी टैग लाइन है जो आप पीछे देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं सवाल कृषि मंत्री जी से लूंगा और कृषि मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि आप वाकई सेटिस्फाइड हैं जो पिछले तीन साल में जो कृषि सेक्टर में आ, काम हुआ है जैसे कि छिहत्तर हज़ार ट्रैक्टर्स किसानों ने खरीदे तो आपको लगता है ये पैरामीटर है ये एक मानक है जिससे बता जिससे पता लग सकता है कि पर कैपिटा इनकम छत्तीसगढ़ के किसानों की बढ़ी है छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है हालांकि यहाँ के लगभग तिरालीस परसेंट भूभाग फॉरेस्ट से कवर है वन आच्छादित है लेकिन शेष जो हिस्सा है उसमें हम लोग खेती करते हैं लगभग 48 लाख हेक्टेयर यहाँ खेती का रकबा है आपने कहा संतुष्टि पूरी तीन साल में सरकार को है तो संतुष्ट तो कोई राजा को होना ही नहीं चाहिए ऐसी कहावत है लेकिन हमने महसूस किया जिसको आप पैरामीटर बोल रहे हैं वो एकमात्र पैरामीटर नहीं है कि हमारा किसान ट्रैक्टर की खरीदी किया है लेकिन उस दिशा में आपको बताना आवश्यक है कि पिछले सालों में पूरे बीजापुर ज़िले में साल भर में एक ट्रैक्टर बिकता था एक आट, क्योंकि परचेसिंग कैपेसिटी नहीं थी किसान की और अब अगर उस ज़िले में सैकड़ों ट्रैक्टर किसान खरीद रहा है दूर से इंडिकेशन है कि किसान की माली हालत सुधरी नंबर ए। नंबर दूसरा ये है इस सरकार के बनने के पहले आदरणीय धर्म भैया यह यहाँ बैठे हैं नेता प्रतिपक्ष हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं विधानसभा के भी अध्यक्ष रहे हैं तब और अब में किसानों में अंतर ये है कि आप आंकड़े अगर देखेंगे तो हर साल जो किसानों की जोत भूमि है उसकी जो बिक्री होती थी क्योंकि किसान कर्जदार हुआ करता था आज वो स्थिति नहीं है दस हजार करोड़ के कर्ज माफी के बाद किसानों में कॉन्फिडेंस आया कि अब उनके कर्ज समाप्त हो गए इसलिए नई खेती किस तरीके से कर सकते हैं और उसके बाद 2500 में हम धान खरीदना शुरू किए पूरे हिंदुस्तान में नहीं है मैं कुछ कहूँ तो अतिशियोक्ति होगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम बहुत सम्मान करते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से चुनाव जीत करके जाते हैं वहाँ एक हज़ार रुपये में धान खरीदने वाला कोई नहीं है एक हज़ार रुपया प्रति क्विंटल और ये आपका छत्तीसगढ़ है जहाँ किसानों को इस साल छब्बीस रुपया इसका मतलब है पर क्विंटल भाजपा की जहां हुकूमत है और हमारी जहां हुकूमत है वहां 1640 रुपए रुपये का अंतर ये अपने आप में बताता है कि किसान खुशहाल है और तीसरी बात हमारा बजट एक लाख दस हजार करोड़ के आसपास का है छत्तीसगढ़ का हम धान खरीदी में लगभग एक लाख करोड़ तीन साल में हम किसानों के खाते में डाल चुके हैं माने हर साल लगभग तेईस चौबीस हज़ार करोड़ रुपया किसानों के खाते में जा रहा है इसका आशा है अगर बाजार गुलजार है अगर रायपुर में लगता है कि सराफा मार्केट ठीक है टेक्सटाइल मार्केट ठीक है ऑटोमोबाइल की खरीदी बिक्री हो रही है रियल एस्टेट में जान है तो उसका सबसे बड़ा कारण किसानों के पास पैसे का फ्लो हुआ इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपने जो कहा ना संतुष्ट तो हम होंगे नहीं क्योंकि हमको अभी बहुत आगे जाना है बहुत काम करना है उसके बावजूद भी पहले की तुलना में किसानों की माली हालत बेहतर हुई है मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में ना रही हो पंद्रह साल सरकार थी ऐसा नहीं है कि सारी सारे जो कि सारे जो काम हुए हैं पिछले तीन साल में हुए हो आपको लगता है कि कहीं क्या आपने भी इसमें योगदान रखा है भूमिका रही है बीजेपी सरकार की कुछ स्कीम्स को लेके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 2000 में हुआ और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में पहले बार कांग्रेस की सरकार बनी कांग्रेस के सरकार में चौबे जी मंत्री थे धान खरीदी जो हुई उस धान खरीदी में 12 लाख मीट्रिक टन तक ले गए थे बजट आपका 5000 करोड़ रुपए का था और उस सरकार में जब विदाई हुई तो लगभग सात हजार छह हजार करोड़ का बजट और उतना ही कर्जा पंद्रह साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही आप योगदान की बात करेंगे तो मैं मेडिकल कॉलेज से लेकर के और कृषि से लेकर के कि जो कृषि का जो सिंचाई के प्रतिशत हमारे यहाँ आज भी कम है मेरे ख्याल से चौबे जी भी संतुष्ट नहीं है हम लोग बत्तीस प्रतिशत है बत्तीस प्रतिशत बत्तीस परसेंट नहीं है वो ज़्यादा है सैंतीस लगभग छत्तीस परसेंट ऐसा माना गया कि जब कांग्रेस के सरकार थी उस समय तेईस परसेंट और तेईस से पंद्रह साल में ये लगभग छत्तीस परसेंट जो डिजाइन की बात कर रहे हैं वो अलग है उसको बढ़ाने का डॉक्टर रमन सिंह ने प्रयास किया किसानों के हालत सुधारने में सबसे बड़ी योगदान अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी कि जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया और प्रारंभ करने के बाद में हमने आए, जीरो परसेंट में ला करके अल्प के का जो किसानों को ऋण देना शुरू किया तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया जब चौबे जी मंत्री थे उस समय चौदह परसेंट पंद्रह परसेंट ब्याज किसानों को देनी पड़ती थे तो यदि किसानों को मजबूत करना है कर्ज से मुक्ति दिलाना है तो मूल से ज़्यादा उसका ब्याज ये बड़ा उपाय और बड़े काम डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया दूसरी बात आपने कहा आपका योगदान क्या है 12 लाख ,00 मैट्रिक टन से तिहत्तर लाख मैट्रिक टन में खरीदने का काम डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया उसको पहुंचाने का पचहत्तर हजार पंप से पौने पांच लाख पंप कनेक्शन का काम डॉक्टर रमन सिंह ने किया भाजपा की सरकार ने और मूल जहां सिंचाई के रकबा में वृद्धि किए समर्थन मूल्य पे धानों का किसानों के धानों को खरीदा गया और खरीदने के बाद में जो किसान क्रेडिट कार्ड बड़े मात्रा में जारी किए जीरो परसेंट ब्याज में उनको जो लोन दिया गया निश्चित रूप से किसानों के जीवन में परिवर्तन आया आज यदि आपने ठीक प्रश्न किया है और चौबे जी उसमें सहमत भी होंगे कि उनके अकेले का योगदान नहीं है और मैं भी कह सकता हूं कि मेरे अकेले हम हमारे अकेले का योगदान नहीं है पहले भी सिंचाई की रही है सरकार काम की है पंद्रह साल में हम लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया और काम करने के बाद में अभी चौवेजी सिंचाई के रकबा बढ़ाने में लगे हुए हैं लेकिन बढ़ा नहीं पा रहे हैं मैं कृषि मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगा कि चूंकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और मैं डेटा देख रहा था आने से पहले आप लोग एक्सपर्ट्स हैं आ, तो मैंने डेटा में पाया कि सारे का सारा फोकस आप लोगों का राइस पे है हाल फिलहाल में आपने नई स्कीम शुरू की हैं जिससे कि जो वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं उससे किसान उन क्रॉप्स की तरफ जाएं जो इतना पानी नहीं इस्तेमाल करती हैं क्योंकि देश में लगभग 80 प्रतिशत पानी का इस्तेमाल कृषि में होता है उसमें से 70 पिचहत्तर प्रतिशत शुगर केन और पैडी और दो तीन और किस्म की जो क्रॉप्स हैं वो लेती हैं उसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में सालों में बीस पच्चीस सालों में अगर हमने पैडी ओरिएंटेड या शुगर केन ओरिएंटेड क्रॉप से मूव नहीं किया तो उसका सीधा सीधा असर कृषि क्षेत्र में पड़ने वाला है निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में वेदर जो है और बारिश जो है और मैदान की संरचना जो है ये तीनों हमको धान की खेती को प्रेरित करता है हम कितना भी प्रयास करें अभी जुलाई में सोइंग हो गया किसानों का रोपाई भी हो गया अक्टूबर एंड में नवंबर में हार्वेस्टिंग हो जाता है उसके तत्काल पश्चात धान सोसाइटी में चला जाता है किसानों के जेब में पैसा आ जाता है शेष नौ महीने में हमारा किसान अन्य फसलों की ओर अग्रसर हो जाता है टमाटर लगाता है केला लगाता है पपीता लगाता है मिर्ची लगाता है वेजिटेबल की खेती करती है तो किसानों की ये समझ है कि धान तो उनका अतिरिक्त है बोनस है नंबर एक नंबर दूसरा ये है कि छत्तीसगढ़ में हमने कुछ योजनाएं प्रारंभ की हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमारा सबसे महत्वपूर्ण योजना है उस योजना में धान की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ नौ हज़ार रुपया हम देते हैं सारे हिंदुस्तान में किसानों के लिए दे अलग अलग योजनाएँ हैं उड़ीसा में चल रहा है कालिया कालिता और रायतू तेलंगाना में चल रहा है कहीं पाँच हज़ार रुपया फिक्स है। नौ हज़ार रुपया प्रति एकड़ देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार करती है लेकिन आपका जो प्रश्न है कि हम धान के बदले अन्य फसल की ओर कैसे अग्रसर हो सकें इसलिए इस साल से हम लोगों ने लास्ट ईयर से शुरू किया हुआ है कि धान के बदले जो अन्य फसल वैकल्पिक उनको दिया हुआ है कोई लगाएगा तो उनको दस हज़ार रुपया प्रति एकड़ दिया जाएगा नंबर एक प्लांटेशन या हॉर्टिकल्चर के फल उद्यान के अगर पौधे लगाएंगे तो उसको तीन साल तक हम पैसा देंगे और इस साल से हमने शुरू किया है कोदो कुटकी अरहर तील इन इसमें भी हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत उसको जोड़ के रखे हैं बात यह है कि धान खरीदी जैसा भैया बता रहे थे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जब राज्य बना तब की परिस्थितियां तो नया राज्य था नवोदित राज्य था कितना बजट था कितना खरीदी होती थी अलग बात है लेकिन इस साल धान की खरीदी हुई है नाइन्टी लाख ठानवे लाख मेट्रिक टन और अभी जो धान की सोइंग हो रही है उसके लिए हमने टारगेट तय किया है अभी तीन दिन पहले मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक थी एक लाख दस हजार एक करोड़ दस लाख मेट्रिक टन तो धान का उत्पादन तो लगातार बढ़ेगा हम लोगों ने प्रयास भी किया है कि धान का रकबा हर साल जो बढ़ने वाला रकबा है उसको नियंत्रित कैसे किया जाए इसीलिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना में अन्य फसलों में एक हज़ार रुपया प्रति एकड़ ज़्यादा देने का हमने निर्णय लिया है और हमारी कोशिश है कि हर साल जो तीन लाख हेक्टेयर का रकबा लगभग ढाई से तीन लाख हेक्टेयर का रकबा धान की खेती का बढ़ता है उसको नियंत्रित करें तीन लाख हेक्टेयर तो बढ़ेगा ही लेकिन उस तीन लाख के विपरीत लगभग चार से पाँच लाख हेक्टेयर हम कोदो कुटकी रागी तिलहन दलहन अरहर का फसल लगाने की दिशा में आगे बढ़े और इस साल हमें लगता है कि हम उस आ, हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे ये उष्ता का मामला क्या है ये फिर मैं आपके पास आऊँगा ये उष्ना सेंट्रल पूल में जो केंद्र सरकार ने बोला आप उना नहीं ऐड कर सकते हैं चावल और बोनस वाला वो मसला सुलझ पाया अब बात यह है कि दिल्ली के सरकार के साथ दिल्ली की सरकार हमारी भी सरकार है लेकिन हमारी लगातार विरोध और विवाद चलते रहता है हमारा प्रयास था हमने जब पच्चीस सौ रुपया धान की कीमत देना शुरू किया तो केंद्र सरकार ने हमें कहा कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस से एक रुपया भी ज्यादा नहीं दे सकते एक रुपया भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारा कमिटमेंट है हम पच्चीस सौ रुपया से एक रुपया कम नहीं दे सकते विवाद यहीं से शुरुआत हुआ दिल्ली ने कहा कि हम एफ में आपका चावल नहीं लेंगे तब हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू किया और ये सोच करके हम एम में धान खरीदेंगे प्लस पच्चीस सौ का जो उनका किसानों का हक है वो भी दिया जाएगा इसीलिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की तो पहली बात तो ये हुई शुरू साल पिछले साल जो चावल की एफ को खरीदी करना था थोड़ी सी नहीं कम कर, कम कर पाई तो हमें धान मार्केट में बेचना पड़ा और सरकार को एक आध हजार बारह सौ करोड़ का कर नुकसान हुआ लेकिन इस साल पूरा चावल एफसीआई ने खरीदा बोनस दे पाया बोनस बोन... धान पे बोनस हाँ, बोनस बोनस अब नहीं कहते उसको हम लोग राजीव गांधी किसान न्याय योजना अच्छा। कहते हैं दिल्ली के मीटिंग में बार बार इस बात को कहा जाता है कि आप धान में बोनस दे रहे हैं हमने कहा हम बोनस नहीं दे रहे हैं हम इनपुट सपोर्ट दे रहे हैं लागत सपोर्ट दे रहे हैं अब शब्दों का अंतर है किसान को तो पैसा दे ही रहे हैं तब भी देते थे जब पच्चीस सौ रुपया दे रहे थे दूसरे साल बोनस के रूप में दे रहे थे दिल्ली सरकार ने कहा कि आप बोनस नहीं दे सकते हमने कहा लागत सपोर्ट दे रहे पैसा तो, तो हमको देना है अपने किसान को मतलब आप आप कह रहे हैं कि जितनी चूंकि कृषि प्रधान राज्य अस्सी प्रतिशत यहाँ मार्जिनल स्मॉल फार्मर है छत्तीसगढ़ में विपक्ष का काम है कि ये बताना कि भाई क्या सही हो रहा है क्या गलत आपको लगता है जो साढ़े तीन साल में कृषि में काम हुआ है जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स में काम किया है फिर शुरुआत करता जहाँ से चौबे जी खत्म किए हैं पहली बात तो पच्चीस सौ रुपये किसानों को आज तक मिला नहीं है और जो पच्चीस सौ रुपये दे रहे करके जो चौबे जी बोल रहे हैं कुल मिलाकर के जो धान खरीदी हुई है धान खरीदी में तेईस हजार करोड़ रुपए राज्य सरकार ने दिया है और पैंसठ हज़ार चार सौ छत्तीस करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया है दूसरा कन्फ्यूजन जो है कि ये पच्चीस सौ का और जो नौ सौ की बात आई जो 900 की बात आई है 2500 जो नहीं दे पा रहे हैं मतलब आपका जो समर्थन मूल्य है समर्थन मूल्य के जो खरीद की पैसा पूरे केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है उसमें साढ़े पांच सौ रुपए कंट्रीब्यूशन केवल राज्य सरकार की है केवल साढ़े पांच सौ रुपए का बाकी जो पैसा है उन्नीस सौ चालीस रुपए वो केंद्र सरकार की है इसके बाद में जो एमएसपी का रेट बढ़ा एमएसपी का रेट का कोई लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं मिल रहा है नौ सौ रुपए की जो बात आई इस बार तीस से पैंतीस परसेंट की राशि की कटौती की गई प्रत्येक किसान के खाते में तीस से पैंतीस परसेंट की कटौती लास्ट किस्त में चौथी किस्त में यह कटौती की गई और कटौती करने के कारण में किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिला केंद्र सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से अब ये अंठानबे लाख मेट्रिक टन धान खरीदे खरीदी हुई इक्यावन लाख बावन लाख मेट्रिक टन चावल के खरीदी केंद्र सरकार कर रही है आपने जो उसना की बात की ना जी तो बावन लाख मेट्रिक टन चावल के खरीदी केंद्र सरकार कर रही है तो एक बोरा में एक बोरा आपका जो धान है और एक क्विंटल चावल आपको बनाना है तो एक बोरे धान से एक क्विंटल आप बनाने नहीं हो उसको कम से कम डेढ़ा लगेगा इसलिए राज्य सरकार का सारा धान का जो खरीदी का पैसा केंद्र सरकार ने भुगतान किया उस चावल के माध्यम से कि जिस चावल को उन्होंने एफसीआई के माध्यम से लिया गया ठीक है निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के सरकार जो प्रयास किए उसमें केंद्र का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है दूसरी बात जो अन्य फसलों की बात चौबे जी बताई अब चौबे जी जिस बात को रखे हैं कि धान को हम नियंत्रित करें और बाकी फसलों को हम फसल चक्र परिवर्तन कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ की आवश्यकता है ये हम महसूस करते हैं लेकिन फसल चक्र परिवर्तन में सरकार फेल है पिछले बार आपने बयानवे लाख के खरीदी किया इस बार अट्ठानवे लाख के आपने खरीदी किया आने वाले समय में एक लाख दस हज़ार मीट्रिक टन का आप खरीदी करेंगे तो किसानों का झुकाव कहाँ जाएगा धान के तरफ जो जब झान के तरफ जाएगा तो फसल चक्र परिवर्तन जो अपन चाह रहे हैं कि किसानों को कैश क्राप की तरफ ले जाए आपका, आपका नहीं आपका मानना है।, है कि फसल चक्र परिवर्तन जरूरी है छत्तीसगढ़ के लिए निश्चित रूप से यदि छत्तीसगढ़ में फसल चक्र परिवर्तन नहीं करेंगे आज छत्तीसगढ़ की हालत एक बात और आपको बता देता हूं सारे विकास कार्य ठप हो गए कर्जे पे कर्जा पे सरकार चढ़ रही है और कर्जे में छत्तीसगढ़ अब दब गई है आने जिस बजट का हम बात करें आज बजट का 80 प्रतिशत कर्जा है टोटल बजट एक लाख पाँच हजार दस हज़ार की बात करेंगे तो उसका 80 परसेंट कर्जा है आपके पास डेवलपमेंट के लिए राशि नहीं है और मुझे लगता है प्रदेश को यदि जिस दिशा में ले जाना है हम लोग भी पंद्रह साल सरकार चलाए सारे निर्माण कार्य किए लेकिन आज सारे निर्माण कार्य आपके रुक गए न सड़कें बन पा रही है न बाकी आपके विकास के कार्य हो रहे हैं मेडिकल कॉलेज जो दिए हैं केंद्र सरकार ने वो भी दो साल से चालू करने की स्थिति में नहीं है इसलिए मैंने कहा फसल चक्र परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों है यह समय की मांग है और इसलिए प्रोत्साहन राशि को ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है ज्यादा राशि बढ़ाएंगे तो किसान उस तरफ जाएंगे धान में ज्यादा मिलेगा तो धान में जाएंगे दूसरे जींस में ज्यादा मिलेगा तो उसमें जाएंगे तो यह संभव होगा मंत्री जी जो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना पड़ता है मिलकर काम करने से ही किसान को फायदा होता है आपको लगता है कि राज्य सरकार को केंद्र से पूरी मदद मिल रही है या चूंकि दूसरी पार्टी है सौतेला व्यवहार हो जाता है नहीं समय समय पर जो हम लोग चाहते हैं हमें ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की थोड़ी उपेक्षा कर दी जाती है क्यों अब एक तो आरोप लगाना उचित नहीं है लेकिन आज स्वाभाविक है आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है

दिल्ली और एफ अधिक चावल की मांग करेगी ये भी हम लोग जानते हैं कारण है रसिया यूक्रेन के युद्ध के कारण जो गेहूं का एक्सपोर्ट होता है और अपने देश से भी जो गेहूं बाहर जाता है पिछले साल के उत्पादन कम होने के कारण ये प्रभावित हुआ है और अभी से चावल की मांग विदेशों में बढ़ गई है हमने छत्तीसगढ़ में इस साल एक्सपोर्ट जो चावल करने वाले व्यापारी हैं उसको पूरा मंडी टैक्स में छूट किया हुआ है ताकि छत्तीसगढ़ का चावल और एक्सपोर्ट हो और पिछले साल की तुलना में इस साल दुगना चावल का एक्सपोर्ट हो चुका है तो आने वाले समय में चावल की और मांग रहेगी नंबर एक इसलिए और यहाँ का वेदर यहाँ की बारिश यहाँ का भौगोलिक संरचना एकदम से चावल की खेती को बदलने की अनुमति देता ही नहीं हम लोग भी चाहते हैं जो आदरणीय धर्म भैया कह रहे थे ना

तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ की गोडाउनिंग है वहाँ का ट्रांसपोर्टिंग है वहाँ की कस्टम मिलिंग है ये सब हम यूज़ करते हैं देन जब हम कस्टम मिलिंग करके एफ को चावल जमा करते हैं तब एफ हमारा रिपेमेंट करता है ये सिस्टम है हम और केंद्र मिल के काम करते हैं लेकिन इसमें दिल्ली पैसा देता है अलग से नहीं देता हमारा चावल लेता है उसका पैसा देता है एक रुपये का भी अतिरिक्त सपोर्ट धान की खरीदी में केंद्र सरकार नहीं करती चावल का जो हम पैसा देते हैं चावल जो हम केंद्र को देते हैं एफसीआई को उसी का पैसा हमको केंद्र सरकार देती नंबर एक जो कर्ज़ के बारे में माननीय धर्म कौशिक जी कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में अगर किसानों की मदद करना है लोगों को स्वावलंबी बनाना है अपने पैरों में खड़ा करना है हम अब किसानों के लिए कर्ज लेते हैं कर्ज लेने का जो तरीका है इनकी सरकार और हमारी सरकार में थोड़ी भिन्नता है कर्ज़ ये लोग भी लिया करते थे 6000 करोड़ के कर्ज को तिरालीस करोड़ तक पहुंचाने का श्रेय भी आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष था हम लोग आरोप लगाते थे एक डी के घर में स्विमिंग पूल बनाने के लिए पैसा दिया गया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई अतिरिक्त तो मामला है खर्च उस समय होता था इंफ्रास्ट्रक्चर में राजधानी नई राजधानी में जो दिख रहा है रायपुर का जो ये फ्लाई ओवर तीन साल में हम मरम्मत नहीं कर पाए हर साल टूट जाता है राइट साइड को हम मरम्मत करते हैं तो लेफ्ट साइड टूट जाता है लेफ्ट साइड को मरम्म माने बिलो स्टैंडर्ड इतना निर्माण कार्यों में खर्च किया गया निर्माण कार्यों में ही खर्च किया गया यहाँ वो क्या स्काई वे वॉक बनाने की दिशा में करोड़ों रुपया लगा दिया गया आज तक उसका कोई उपयोग नहीं है तो खर्च ये भी करते थे कर्ज लेकर के हम भी करते हैं कर्ज लेकर के खर्च लेकिन हम अपने किसानों को पैसा देते हैं हम अपने किसानों को साधन और सुविधा मुहैया कराते हैं हमारा और इनके सोच में अंतर ये है व्यक्ति का विकास छत्तीसगढ़ के लोगों का विकास को हम विकास मानते हैं ठीक है ये दोनों में ये अंतर है आप क्या बोलेंगे तालमेल ठीक है मेरा ये कहना है कि किस बात का आप किसान के लिए कर्जा ले रहे हैं आप धान खरीदी किए मैंने बताया कि एक लाख से ऊपर पेमेंट हुआ उसमें पैंसठ हजार चार सौ छत्तीस करोड़ रुपए केंद्र ने दिया तो कौन से पैसा आपने दिया आपने आप तो दस हजार आपने जो पच्चीस सौ कहा वो पच्चीस सौ आप नहीं दे पा रहे हैं केंद्र मदद कर रहे हैं पूरी केंद्र पूरे मदद कर रहे हैं केंद्र बावन लाख या इक्यावन लाख मीट्रिक टन का है इस साल चौबे जी बता दे कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में कभी बावन लाख यहाँ से हम दिए और केंद्र ने खरीदा है अब इसके बाद में आपने किया ना तो चौबे जी बोले कि आपके प्रश्न में आपका उत्तर है मतलब बात यही हुई तो बात ये हुई तो केंद्र सरकार को देना चाहिए चौबे प्रश्न में वो मेरे प्रश्न में अपना उत्तर ढूंढ रहे थे मेरे प्रश्न में कोई उत्तर नहीं था नहीं सवाल था उन्होंने कहा कि आपके प्रश्न में उत्तर है कि <laughs> कि आपने कहा कि दोनों सरकार में अंतर है तो कहीं पर भेदभाव है दूसरी बात उन्होंने आखिरी में कहा कि हमको थोड़ा सा तो मैं ये कहता हूं केंद्र सरकार के भरोसे आज राज्य की सरकार चल रही है जो भी योजना की बात करें ऐसा कोई योजना चौबे जी बचाए जिसको राज्य के भरोसे चला रहे हैं मतलब अभी एक कुंज बन बनाने के काम आज मैं पेपर पढ़ रहा था कुंज बन आपने नाम दिया योजना रोज बनाते हैं और बढ़िया योजना बनाते हैं बढ़िया योजना कैसे बनाते हैं कि तीन जगह बिजली उत्पादन कर रहे हैं चौबे जी अब मैं चौबे जी को बोलूँगा उसको देखने के लिए हम सब साथ चलेंगे गौठान में बिजली तो गौठान में मतलब योजना हो योजना बने धरातल पे दिखे आज जो सबसे बड़ी बात मैंने कहा जो छत्तीसगढ़ बैठ रही है बैठ जाएगी उसका कारण है कि जो भी राशि आप कर्जे में ले रहे हैं उसका उत्पादन नहीं हो रहा है प्रोडक्टिविटी में आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा है उसका रिटर्न आपको मिलने वाला नहीं है और जो योजना आप जो बना करके कर रहे हैं उसको आप दिखाने की स्थिति में नहीं है बिजली तीन जगह इन्होंने पैदा किया उद्घाटन किया और उद्घाटन करने के बाद में उस गौठान में आज तक जाने की स्थिति में नहीं है तो ऐसे कौन सी योजना है कि जिसके माध्यम से किसानों को हमने पैसा दिया वास्तविक में एक भी योजना जो किसानों को उससे लाभ मिले मैं ये कहूँगा कि केवल आरोप में नहीं लगाता लेकिन हर बार हम लोग सत्र में कहते हैं कि आपके गौठान बहुत अच्छे है मॉडल गौठान में जाना है लेकिन अभी तक तो चौबे जी असफल रहे हैं दिखाने में। मैं, 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 सव, मैं इसे बदल के पूछता हूँ आपसे आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जैसे कहते थे ना गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस है या ममता जी कहती हैं बंगाल मॉडल ऑफ़ गवर्नेंस है आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ मॉडल ऑफ़ गवर्नेंस है वो अपने आप में लोगों को बता रहा है कि किस तरीके से कृषि क्षेत्र में काम किया जा सकता है कैसे करना चाहिए फिर उसका आप जवाब दे दीजिएगा व्यक्तिगत रूप से हम लोग तो महसूस करते हैं एक छोटा सा आदरणीय धर्म कौशिक जी ने मेरे गौठान की चर्चा की अगर ये अच्छा नहीं होता तो राजस्थान में चीफ मिनिस्टर सहित मंत्रिमंडल यहां देखने आए थे झारखंड सरकार हूबहू अक्षरसा इसको लागू किया है दोनों चलिए गैर भाजपाई सरकारें हैं गुजरात के वरिष्ठ मंत्री राजेंद्र चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल यहां देखने आया था कम से कम चार मंत्री आए थे उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ रक्षा और सड़कों में गैया वो माने असेंबली इलेक्शन का मुख्य मुद्दा बन गया था उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में भी इसको लागू करने की दिशा में आगे लोग बढ़ रहे हैं उन्होंने निर्देश दे दिया है जब हमारी इस योजना को पांच राज्य लागू कर रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ तो अच्छा ही है देखिए क्या है सबसे छोटा सा इसका कारण बताता हूं गोठान शुरू होने के पहले छत्तीसगढ़ की सड़कों में रोज साढ़े तीन सौ गैया एक्सीडेंट में मरती थी साढ़े तीन सौ गैया हालांकि इनकी पार्टी गौ माता की जय और गौ हत्या बंद करो करके वोट के लिए नारा लगा देते हैं लेकिन इस योजना के प्रारंभ होने से छत्तीसगढ़ में वो दस परसेंट भी नहीं रह गया है एक्सीडेंट का प्रतिशत कारण है गरीबों को मालूम है गैया के गोबर से भी उनको पैसा मिलना है दो रुपया किलो खरीदी करते हैं हम लोग वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं फर्टिलाइजर की पूरे देश में कमी है पूरे देश में कमी है इम्पोर्ट करते हैं सरकार आ नहीं रहा है यूक्रेन युद्ध के कारण डी पूरे देश में कमी है हमारा किसान 19 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट अपने खेतों में डाल चुका है ये दूसरा फायदा है गोठान का एस एच जी की महिलाएं वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम करती हैं उनको सीधा पैसा दिया जा रहा है एक लाख महिलाओं का वर्कफोर्स हमारे गौठान में काम करने लगे हैं। और इंक्रोचमेंट से सारा प्रदेश परेशान था डेढ़ लाख हेक्टेयर जमीन में मैं गौठान बना दिया आशा ये है कि एक योजना ये दूसरी योजना इसको गोधन न्याय मिशन कहते हैं हम लोग राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में आपको बता दिया पूरे हिंदुस्तान में इतनी राशि किसानों को कोई सरकारें नहीं देती और तीसरी योजना जो लैंडलेस लेबर है कृषि मजदूर उनके लिए भी हमने अभी बनाया है राजीव गांधी खेती और मजदूर न्याय योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसानों के सम्मान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देते हैं छ हजार रुपया देते हैं मैं हमारे गरीब मजदूरों को जिनके पास एक एकड़ जमीन नहीं है सात हजार रुपया उनके खाते में हम डाल रहे हैं और पूरे देश में गरीब मजदूरों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है इस बार तीन लाख लोगों का पंजीयन हो गया है मजदूरों का अब पंजीयन हम और आगे बढ़ाने जा रहे हैं तो ये हमारी तीनों योजनाएं लोग महसूस करते हैं इससे रूरल इकोनॉमी में मजबूती आई है नंबर एक आप ये कह है सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ ऑफ मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसमें जो छत्तीसगढ़ सरकार का एग्रीकल्चर फोकस है वो सबसे ज्यादा डिफाइनिंग है ये कह सकते प्रमुख है ये कह सकते हैं मैंने कहा ना अगर एक लाख दस हज़ार करोड़ के बजट में चौबीस पच्चीस हजार करोड़ किसानों के खाते में डाला जा रहा है एक चौथाई से एक तिहाई का राशि तो हमारे फोकस सरकार के फोकस में किसान ही है और खेती है और छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी भी उसी उसी पे आधारित है और आने वाले समय में इसी का डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ का विकास होगा और आज भी हम महसूस करते हैं स्वभाव स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ मिनरल बेस्ड स्टेट है यहाँ आयरन की मात्रा है यहाँ कोयले की मात्रा है लेकिन कितने बड़े बड़े प्लांट आप लगाएंगे? आजकल रोजगार प्लांट में नहीं मिलता एक बार जब 550 मेगावाट का पावर जनरेशन का प्लांट लगा कोरबा में तो हजारों लोगों को नौकरी मिली थी अब हज़ार मेगावाट का एक प्लांट आप लगाएंगे तो कंप्यूटराइज्ड आजकल सारे प्लांट हो गए सौ लोगों को रोज़गार नहीं मिलता तो क्या पूरे छत्तीसगढ़ को हम डस्ट का चेंबर बना देंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो लेकिन सीमा में हो हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को ही हम फोकस करना चाहते हैं और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं आपको लगता है ये सही रास्ता है छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है जब हमारी सरकार थी तो उस दिशा में बढ़े थे लेकिन एक बताना चाहता हूँ आपको कि इनकी योजनाओं का हस्र होल्डिंग बहुत अच्छा लगाते हैं लोग कि रोका छेखा आज छत्तीसगढ़ में केवल गाय यदि नहीं मिलेगी पशु नहीं मिलेगी तो गौठान में और उसके जगह सारे जगह आपको मिलेंगे रायपुर से लेकर के आप कोरबा से लेकर के जहाँ जाएं आपको दूसरे गाड़ी से एक्सीडेंट की संभावना कम है पशु से ज़्यादा संभावना है और इसको चौबे जी नकार नहीं सकते पूरे रायपुर में और रायपुर में लेकर के आप मेन रोड में जब जाएंगे विधानसभा होकर के तो आपको गाड़ी रोक करके खड़े होकर के उनको हकालना पड़ेगा और हकालने के बाद में जाएंगे नहीं तो आप वहीं मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं एक्सीडेंट हो रहे हैं पैर हाथ टूट रहे हैं तो मैंने कहा होल्डिंग में बहुत अच्छा अच्छा है चौबे जी बिजली का जवाब नहीं दिए जवाब चाहूँगा भी नहीं उनकी गलती भी नहीं है अब वो तो क्या है तो मैंने पहले भी कहा कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है हम लोगों ने पंद्रह साल में उस दिशा में छत्तीसगढ़ में प्रयास किए अब इनका हस्त्र कैसे होता है मैं बता देता हूँ एक इन्होंने एक बहुत बड़ा परियोजना लाया बस्तर में बोध घाट परियोजना और बोधघाट परियोजना के बारे में जैसे ही चौबे जी बोलना शुरू किए सीएम साहब हमारे खड़े हो गए चौबे जी को बोले आप बैठो बोले मैं बोलता हूं मैं और उन्होंने कहा कि ये बोध घाट परियोजना से हम इतना सिंचाई करेंगे चौबे जी को याद है डॉक्टर रमन सिंह जी खड़े हो गए ब्रिजमोहन जी खड़े हो गए हमारे पूर्व कृषि मंत्री बोले कि चौबे जी बोले आप तो सिंचाई मंत्री हो और सीएम साहब खड़े हैं बोले आप उसके सिंचाई को छोड़ दो बोले आप डीपीआर पी बना के उसके दिखा देना और डी आप डी पी आर बना के आप दिखा दोगे तो मैं बोलूँगा उस दिशा में आप काम कर लिए बड़ा, बड़ा 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 प्रेस में छपा कि हम इतने बड़े परियोजना को ला रहे हैं और आज साहब साढ़े तीन साल हो गया उसका प्राइमरी सर्वे नहीं हुआ है डी बनाने की बात है तो दूर की बात है तो लगभग ऐसी योजना चल रही है सरकार की

आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लोगों की सहमति होने के बाद ही बस्तर का बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और एक मिनट एक लास्ट आपको करना है। कम से कम यहाँ बैठे हैं पूरे देश की जनता देख रही है विधानसभा का जो कापी है ना आपने जो कहा और सीएम ने उसको निकाल करके दिखा दूंगा उसने कहा पर लिखा हुआ है आपसे एक रिक्वेस्ट है और आपसे भी आप दोनों एक दूसरे के सवालों को जवाब दीजिए पर एक, एक करके अच्छा आप आपका जवाब दे देता हूँ पहले आप हाँ, उसका जवाब दीजिए मैं आपका जवाब दे देता हूँ छत्तीसगढ़ पूरा राज्य जो है महानदी बेसिन में बसा हुआ है थोड़ा सा हमारा गंगा बेसिन का हिस्सा लगता है उत, उत्तर में और नीचे गोदावरी बेसिन का हिस्सा लगता है दुर्भाग्य महानदी में कुछ कैपिटलिस्टों के लिए जो इन्होंने स्टॉप डैम बनाया उस पंद्रह साल में उसके कारण उड़ीसा ट्रिब्यूनल में गया और आज मुझे लगता गर... है कि बात कृषि से निकल कर, पॉलिसी फिर पॉलिसी से निकल कर कैपिटलिज्म के फॉर्म पे जा रही है मैं मैं आपको वापस कृषि क्षेत्र में लाना चाह रहा हूँ फिर से कह रहा हूं प्रभावित छत्तीसगढ़ के इरिगेशन के सारे प्रोजेक्ट हुए हैं ट्रिब्यूनल के डिस्प्यूट के कारण और केवल इनके कार्यकाल में चंद उद्योगपतियों को पानी देने के लिए जो महानदी में इन्होंने बैराज बनाए उसके कारण उड़ीसा को आपत्ति थी हमारे पास काम करने के लिए गोदावरी बेसिन बचा थोड़ा सा और उसमें हम लोगों ने ये जो बोध की परियोजना है क्योंकि उसमें हमको पानी अलॉटेड है और नीचे कालेश्वरम और पोलावरम आंध्र और ते, तेलंगाना के द्वारा बनाया जा रहा है जी। और उसमें भी अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का ने जितना अहित किया उससे ज़्यादा अहित हो जाएगा इसलिए उस दिशा में उस योजना को लाना जरूरी था इसलिए हम लोगों ने उसमें आगे बढ़ा देखिए आप दोनों से तो मैं यही कहूंगा कि सरकारें आती जाती रहती हैं पर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ रहेंगे और चाहे जो भी कल्पना हो आ, सरकारी नीतियों की वो लोगों के लिए होती है और आज हमारी कोशिश थी कि जो हमने अपनी बैठक की शुरुआत कृषि क्षेत्र से की वो केवल इसलिए की क्योंकि ना केवल छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है बल्कि कृषि से जुड़े चैलेंजेस आने वाले 30, 40, 50 साल में बढ़ने वाले हैं क्लाइमेट चेंज के कारण मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ बहुत अच्छा जिसे कह सकते हैं ये सेशन रहा चर्चा बहुत अच्छी रही